आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी नाभि में चेंजेस क्यों आते हैं, साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इससे लड़का या लड़की का क्या कनेक्शन रहता है, और लास्ट में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में ज्यादातर ऐसा होता है कि आपकी नाभि या तो बाहर हो जाती है या फिर आपकी नाभि अंदर ही रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान नाभि का बाहर आना। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है तो आपका जो गर्भाशय होता है वो धीरे धीरे फैलना स्टार्ट कर देता है, और ये फैलता हुआ गर्भाशय आपके पेट को आगे की ओर धकेलना शुरू कर देता है, जिस वजह से आपकी नाभि बाहर निकल आती है, और इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं होती है। और जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में आपकी ये नाभि अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। बट ये जरूरी नहीं है कि हर किसी की नाभि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर ही निकले, और कुछ महिलाओं की जो नाभि होती है वो एकदम से समतल यानी कि चपटी हुई और खिंची हुई सी नजर आने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ते टाइम पर बच्चे के साथ साथ आपका जो पेट होता है वो भी फैलना शुरू कर देता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, डिलीवरी के बाद अपने आप ही ठीक हो जाती है। अगर आपकी भी नाभि प्रेगनेंसी के दौरान बाहर निकलती है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अम्बिलिकल हर्निया तो नहीं है, और इसके जो लक्षण होते हैं जैसे कि नाभि के आसपास आपको एक नरम गांठ महसूस हो सकती है जो लेटते समय अक्सर अधिक उभरी हुई दिखाई देती है, और आपको नाभि के आसपास हल्का हल्का दर्द रहना एंड आपको खांसते और छींकते समय आपके दर्द का बढ़ जाना। अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। और आप एक बात का ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी के बढ़ते टाइम पर स्पेशली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी नाभि के आसपास खुजली होना एंड जलन जैसी महसूस होना एंड हल्का हल्का दर्द होना, ये समस्याएं बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि आपकी त्वचा खिंचती है और आपका पेट बढ़ने की वजह से जो भी प्रेशर होता है वो आपकी नाभि पर पड़ता है, जिस वजह से ऐसा होता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और आप अपनी साबुन एंड पानी से त्वचा को अच्छे से साफ करके ही रखें प्रेगनेंसी के दौरान, और आपको नाभि पर लोशन या फिर क्रीम या कोई भी ऑयल डॉक्टर से पूछकर ही लगाना है। अगर आपको दर्द बहुत तेज से चुभने वाला होता है और एक मिनट से भी ज्यादा रहता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरे ट्विंस बॉय के टाइम पर जो मेरी नाभि थी वो अंदर की ओर थी, फिर भी मुझे बेबी बॉय हुए थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।